झटपट खाना बनाने के मेरे ये किचन टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। चलिए आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे किचन टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके काम आएंगे। हम महिलाओं का सबसे ज़्यादा समय तो किचन में ही गुजरता है। सुबह से शाम तक घर वालों के लिए कुछ नया बनाने के लिए हम दिन भर मेहनत करते हैं। मैं अपनी ही बात करूं तो खुद सुबह से शाम तक घर वालों के लिए पकवान बनाना और किचन संभालने में व्यस्त रहती हूं। ये सब अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है जब मेरा परिवार, मेरे मेहमान और मेरे बच्चों को मेरे हाथ का खाना पसंद आता है। सच बताऊं तो मैं बहुत ही छोटी उम्र से घर और किचन दोनों संभाल रही हूं। मुझे भी खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और अब यही मेरी हॉबी भी है और फैशन भी बन चुका है। खाना बनाते वक्त या किचन के अन्य काम करते वक्त मेरी कोशिश रहती है कि जल्दी काम कैसे निपटाऊं, इसलिए मैं कुछ ना कुछ हैक्स अपनाती रहती हूं। आज आपके साथ भी मैं यह हैक्स और टिप्स में शेयर करने जा रही हूं जो आपकी किचन में बहुत मदद करेंगे और आपके काम को भी आसान बनाएंगे। कई सब्जियों में प्याज और लहसुन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ऐसे में उस समय प्याज और लहसुन काटना, छीलना और पकाना आपके काम को बढ़ा देता है। फिर क्यों ना आप यह काम पहले से ही करके रखें। एक कढ़ाही में तेल डालें और कटे हुए प्याज को उसमें डालकर 2-3 मिनट सौते करें करके एक जार में भरकर रख लें। अब इसी में लहसुन की कलियों को भूनकर स्टोर करें। ये चीज़ें 7 से 10 दिन आराम से चलेंगी। इसे पीसना हो या सब्जियों में ऐसे ही डालना हो, आराम से बिना समय गवाए इसका उपयोग करें। चाय की पत्ती से गिलास चमकाएं। कुछ कांच के बर्तन में पानी के दाग धब्बे बहुत ज़्यादा जल्दी लगते हैं। इन्हें जितनी बार धो लें यह फिर भी गंदे ही दिखते हैं। ऐसे में आप चाय पत्ती के पानी से इन्हें चमका सकती हैं। एक पैन में 2 कप पानी गर्म करें और बची हुई चाय की पत्ती डालकर उसे एक उबाल आने तक गर्म करें। इसके बाद पानी को छानकर एक बर्तन में निकालें, उसमें थोड़ा सा डिश सोप डालें और उसे अपने कांच के बर्तन को धो लें। आप देखेंगी कि आपके बर्तन एकदम चमक उठेंगे। कुकर नहीं पड़ेगा काला। आप जब आलू उबालती होंगी तो आपने देखा होगा कि कुकर अंदर से काला पड़ जाता है। इसे कितना भी रगड़ लो एक बार। मैं यह साफ़ नहीं होता। इसे साफ़ करने के लिए यह छोटी सी ट्रिक अपनाएं। आलू उबालते समय नमक और 1 नींबू का टुकड़ा डालकर सीटी लगाएं। इसका छिलका भी जल्दी निकलेगा और कुकर अंदर से काला भी नहीं पड़ेगा। यही कुकर काला पड़ता है, यदि कुकर काला पड़ता भी है तो उसे छिलका से साफ कर लें। बिना धसका लगे मिर्ची पीसें, रेड चिली। जब हम घर में सूखी लाल मिर्च पीसते हैं तो अक्सर खांस खांस कर तंग हो जाते हैं। अगर आप चाहती हैं कि यह धसका आपको ना लगे तो इस टिप्स को अपनाएं। सबसे पहले मिर्च को धूप में कुछ देर रखें और फिर इसे मिक्सर में डालें। अब इसमें 1 छोटा चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालकर पीस लें। इससे रंग भी गहरा होगा और आपको धसका भी नहीं लगेगा। तो अब यह टिप्स भी आप भी अजमा कर ज़रूर देखिएगा और अपने काम को और भी आसान बनाएं।
अगर आपको मेरे टिप्स पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।